हेलो गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विथ अवर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फोन के बारे में गाइस, जो काफी कॉम्पैक्ट, काफी स्लिम, काफी छोटा है। आपने फोन तो बहुत सारे यूज किए होंगे गाइस, लेकिन ऐसा फोन शायद ही आपने कभी देखा होगा या यूज करा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आप देखने वाले हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फोन, जो कि अभी है मेरे हाथ में, और इस फोन का मॉडल है KK1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये फोन जो मेरे हाथ में है काफी कॉम्पैक्ट, काफी स्लिम, काफी छोटा है। गाइज, अगर इसके साइज की बात करें तो ये एक पेन से भी छोटे साइज का है। अगर इसके ओरिजिनल साइज को अगर कंपेयर करें तो ये एक डबल ए बैटरी जो आती है, जो पेंसिल बैटरी आप लोग यूज करते हो डिवाइसेस में, उतना साइज का है ये। अगर इसको आप अगर हैंड में अपने फोल्ड करोगे अपने फिंगर से, तो ये पूरा का पूरा आपके हाथ में पूरा छिप सकता है गाइस, तो इतना छोटा सा है गाइस। अगर इस फोन के चार्जिंग स्लॉट की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, तो ये आपको नॉर्मल जो सारे फोन्स में आजकल देखने को मिल जाते हैं, वही चार्जिंग स्लॉट है। आप कोई भी चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक USB डेटा केबल इस फोन के साथ आपको मिल जाएगी। आप इसमें सिम यूज करते कर सकते हो गाइस। आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर एक सिम स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप कोई भी मीन्स 2G सिम आप इसमें इंसर्ट करके यूज कर सकते हो गाइज। ये फुल्ली फीचर फोन है, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि 4G सिम वर्क करेगा इसमें गाइज। और इस फोन की अगर फीचर्स की बात करें, तो आपको ये एक ब्लूटूथ डायलर, ईयरपीस और एक नॉर्मल फीचर फोन, तीनों के फीचर्स आपको इस फोन में मिल जाते हैं गाइज। अगर फोन की स्क्रीन को हम लोग ऑन करके देख ले, तो आप देख सकते हो फोन को ऑन करते ही गाइज आपको एक वेलकम मैसेज फोन पे दिख जाता है। और फोन ऑन होने के बाद यहाँ पे मैंने सिम इंसर्ट नहीं किया, तो इंसर्ट सिम का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। फोन के ऊपर एक छोटी सी LED लाइट दी गई है गाइज, वो भी बहुत ही क्यूट है, वाइट कलर की लाइट और जो बीच बीच में ब्लिंक करती है गाइज। और स्पीकर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। माइक्रोफोन की बात करें, तो फोन के नीचे के साइड पे आपको माइक्रोफोन दिख जाएगा गाइस। बहुत ही लाइट वेट है गाइस, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आपको इसका वजन तो महसूस ही नहीं होगा गाइस, इतना लाइट वेट है फोन के। अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें गाइस, तो आपको यहाँ पर फोन बुक मिल जाता है गाइस, मैसेज बॉक्स मिल जाएगा, कॉल हिस्ट्री मिल जाएगी, मल्टीमीडिया, आप इसे एक ब्लूटूथ स्पीकर के जैसे भी यूज कर सकते हो बस, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि साउंड काफी स्लो है इसकी। अगर आप इसे हेडसेट की तरह यूज कर रहे हो कान में लगाकर, तो कोई फायदा हो सकता है। ब्लूटूथ डायलर मिल जाता है, ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा, अलार्म्स मिल जाएंगे गाइस इसमें, सेटिंग्स। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। फोन बुक के अंदर आपको ऐड न्यू कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हो, इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, आउटबॉक्स, सारे एक फीचर फोन के जैसे। कॉल हिस्ट्री में आपको कॉल हिस्ट्री मिल जाएगा। मल्टीमीडिया में आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आप कनेक्ट करके सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हो। इधर ब्लूटूथ डायलर मिल जाएगा, जिससे आप मतलब कि ब्लूटूथ ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हो और फोन से दूसरे फोन से कनेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजर में आपको अलार्म मिल जाएगा और रिमोट कैप्चर वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप दूसरे फोन के कैमरा को रिमोट कंट्रोल से आप उसके मींस कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो। सेटिंग्स में प्रोफाइल्स, टाइम, कॉल हिस्ट्री वगैरह मिल जाते हैं गाइस। तो काफी स्लिम, काफी अच्छा, काफी एकदम फीचर कॉम्पैक्ट फोन है, आप इसे ले सकते हो गाइज। अगर आपको ये फोन खरीदना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन आप चेक करो और वहां से आप ये फोन ले सकते हो गाइज। कोई जरूरी नहीं है, आप ले सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो गाइज। मेरे हिसाब से तो फोन काफी अच्छा है, एकदम वैल्यू फॉर मनी फोन है, तो आप इसे एकदम ले सकते हो।
थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स, यू हैव अ गुड डे अहेड।